सो गाइस हम दोनों साथ में मोमो अभी बनाएंगे, तो देखते हैं किसका ज्यादा अच्छा से शेप में बनता है मोमो। बनेगा बनेगा, मेरा अच्छा बनेगा। इतना तो कर दिया हो गया। चलिए शो टाइम, चलो ठीक है। ओके हम तो दिखा दे। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब? आए हो तो लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू संदीप डेनम ब्लॉग। गाइस हम लोग बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हम लोग का मोबाइल ख़राब हो गया था। मोबाइल हम लोग का मदरबोर्ड ख़राब हुआ है और जो मोबाइल से हम लोग शूट कर रहे हैं ये भाई का मोबाइल है, क्योंकि हम लोग मांगे हैं कि हम लोग ब्लॉग बनाना था, क्योंकि बहुत पहले पेंडिंग था हम लोग का ब्लॉग, बहुत दिन हो गया, दो महीने जैसा हो गया। और पिछला ब्लॉग में हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, तो हमने सोचा कि चलो कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे को मम्मी भी क्या कर रही है, ऐसा क्या कर रही है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं। मसाला डाल रहे क्या? और ये क्या कर दिए हैं? वो ये कटोरी में जो है इसको अलग कर दिए। ये बोन वाला चिकन है, ये बोनलेस चिकन है, क्योंकि हम लोग को बोनलेस चिकन का जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसका कीमा बनेगा। मिन्स चिकन हम लोग को चाहिए मोमो का फिलिंग के लिए, इसलिए अलग कर दिए हैं। अच्छा, इसे अलग कर दिया ना। हाँ, अभी क्या कीजिए सबसे पहले? अभी सबसे पहले चटनी के लिए टमाटर और लाल मिर्च को उबालेंगे पानी में कुछ देर तक। क्या कर रही बेटा तुम इसको? क्या है ये? क्या कर रही है? क्या है ये? मम्मी सुन लो, बेबी बेबी है तुम्हारा? बेबी है, तुम्हारा बेबी है ये। कंबल बेबी, तकिया बेबी, और तो तकिया बेबी, तुम बेबी नहीं हो। टमाटर को अच्छे से धो लिए हैं, अब इसमें बीच में ऐसे कट लगा देंगे ताकि अच्छा से बॉईल हो जाए। ऐसे सारा में ऐसे ही कट लगा देंगे और यहाँ पे हम बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए। अब इसको रहने देंगे ऐसे ही, जब तक इसका स्किन नहीं निकलेगा तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। और गाइस इधर देख सकते हैं, हम लोग टमाटर और मिर्चा बॉईल हो गया है। इसको पीसेंगे मिक्सी में और इसको भी पीसेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा हल्का हल्का ग्राइंड करेंगे, पूरा नहीं है ना। तो चलिए जल्दी से ग्राइंड करते हैं दोनों को। तो गाइस मिक्सी का जार में हम लोग डाल दिए हैं, अभी ग्राइंड करेंगे। तो चलिए आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं कैसे ग्राइंड करना है। तो हम लोग का चिकन ग्राइंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो इसे पानी निकलने लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसको कम ही ग्राइंड करेंगे। और इसमें देखिए छोटा छोटा बोन है जो निकल रहा है, उसको अलग कर लेंगे। सो गाइस हम लोग का टमाटर अच्छा से ठंडा हो चुका है, अब इसका छिलका उतार देंगे और इसको भी अच्छा से ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका भी, और फिर चटनी बनाएंगे इसका। टमाटर का हम लोग फाइन सा पेस्ट बना लिए हैं, अब इसका चटनी बनाएंगे कढ़ाई में। अभी हम लोग चटनी बनाएंगे और चटनी बनाने के लिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, अब इसमें तेल डालेंगे और अभी हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। यह हम लहसुन को बारीकी से काट लिए हैं और अदरक को भी काट लिए हैं। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अदरक को डालेंगे, अब लहसुन को भी डाल देंगे, इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। अब इसमें हम टमाटर का प्योरी जो तैयार किए थे वो डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम लोग नमक, अब इसमें डालेंगे हम लोग सोया सॉस और डालेंगे इसमें थोड़ा सा चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और अब इसमें हम लोग डालेंगे विनेगर। हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं, अब इसको बस एक मिनट के लिए रहने देंगे, फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। दो बेटा काम है इसमें, दो। नहीं दे रही हमको, नहीं दे रही, कैसे बनाएंगे? अरे कैसे बनाएंगे अगर तुम देगी नहीं तो? कैसे खाएगी? मोमो खाएगी तो? मोमो आप मोमो खाएगी तो? मोमो खाएगी तो? चलो तो दो बेटा, दो दे दो, दे दो, दे दो। हाँ बेटा दो दो दो, जल्दी 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 दो, जल्दी दो। क्या करेगी तुम इसको, इसको लेकर कहाँ ले जा रहे बताओ? अब हम लोग मैदा ले रहे हैं यहाँ पे। क्या हुआ फिर से? क्या हो गया? पानी ला दो बेबी के लिए, क्या हो गया बेचो को? रो क्यों रही बताओ? कौन है, कौन है बेटा, क्या किया है? अच्छा ठीक है ले लो। अच्छा ये चाहिए तुमको, कम ले लो, कम लो, गिरा मत देना, ठीक है, गिराना मत। अब बस 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 सुना लो, उतना ही खत्म कर दी, खत्म हो जाए, खत्म, सिर्फ बना पा लो, सिर्फ बना, ठीक है, गिर जाए, गिर जाए, लो लो हल्का पानी। क्या हो गया बेटा? अरे कैसे कर दिए, देखिए उसको क्या करेगी, इसको क्या करेगी, इसको क्या करेगी, दे रहे मामा, दे रहे तुमको सब कुछ चाहिए, इसको सब कुछ मिला, ये भी दो मिला, ठीक है, वाह गुड, हो गया हो गया, चलो मिला मिला मिला। अभी क्या डालिएगा इसमें? अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे,
नमक डालिएगा। हाँ थोड़ा सा। ठीक है थोड़ा सा नमक। हाँ मम्मी मम्मी क्या आ गया बेटा? नमक। हाँ नमक भी चाहिए। अच्छा ठीक है नमक डाल, सब कुछ इसको भी चाहिए। वाह बहुत अच्छा बन रहा, चलो अच्छे से बनाओ अच्छे से बनाओ। और ये क्या है? ये बेकिंग पाउडर है। हाँ इसमें डालेंगे हम लोग। अच्छा बेकिंग पाउडर ना। ये भी आंसू चाट रही है, अरे आंसू चाट रही है लड़की, है आंसू चाट रही है। अब ये हो गया है कंप्लीट, है ना। हाँ इसको अब हम लोग ढक के रख देंगे। कितना मिनट के लिए? 10-15 मिनट के लिए रख देंगे इसको ढक के। अब इसका काम एक ही चीज़ रह गया है, इसमें डालेगी फिर उसमें डालेगी, उसमें डालेगी इस कटोरों में फिर उस कटोरी में, फिर डालते रहेगी फिर ऐसे गिराती रहेगी। अब देखिए क्या कर रही है, देखिए तो पानी गिरेगी नहीं क्या बेटू बता? गिरेगी। देखिए कैसे मना करेंगे तो कैसे बोलेगी, चलो चल मत करो, चलो हटो हटो हटो, चलिए चलो छोड़ो। इसलिए जब भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग कभी कभी कार्टून दे देते हैं ताकि काम में मतलब बाधा ना डाले, इसलिए देखिए कैसे किए हैं। और अभी ये सब नहीं देते ना इसको, गंदा की तो उसको अच्छा लगा, अगर ये सब करने नहीं देते तो खूब रोती क्या? हाँ, है ना रोती, बहुत ज़्यादा रोते हैं मतलब परेशान हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे रोती है ना मतलब चुप नहीं होती है। ठीक है तो जैसे हम लोग मना नहीं करते ज़्यादा और रोने नहीं देते हैं क्योंकि जो मन करता है उसको देते हैं, बड़ी हो जाएगी समझेगी तब उसको समझाएंगे अच्छे से कि ये गलत सही है, अभी उसको समझ में आए है ना। सो गाइस हम लोग का मोमो का चटनी तो रेडी हो चुका है, अब मोमो का फिलिंग रेडी करते हैं। उसके लिए हम लोग को इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालना पड़ेगा और ये धनिया जो काट के रखे थे उसको भी मिक्स कर देते हैं। और इसमें क्या क्या लगेगा? और सोया सॉस लगेगा। सोया सॉस? हाँ सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून। अच्छा ये थोड़ा लगेगा ना, थोड़ा सा ना। हाँ अच्छा बस इतना ही। और ये लगेगा? हाँ विनेगर भी लगेगा ना। हाँ ये भी 1/2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, नहीं तो खट्टा हो जाएगा ज़्यादा डालेंगे तो। अच्छा ये खट्टा लगता है ना। हाँ विनेगर नींबू जैसे ही लगता है। हम सोच रहे मिर्चा नहीं डालेंगे क्योंकि नैसा भी खाएगी ना। हाँ नहीं डालेंगे। है कि नहीं? हाँ आप लोग डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं, हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि मेरी बेटी भी खाएगी इसलिए। तो यहाँ गार्लिक पेस्ट डालेंगे। हाँ बेटा कौन मारा? चाचू कब मारा बेटा? कहाँ मारो? कहाँ मारा तुमको? कहाँ मारो बता दो। मारो को कुछ मारो करना। मम्मी मम्मी डैडी कुछ कंप्लेन कर रही है। हो गया। हाँ कंप्लेन कर दी तो निकल के फोन में हो गया। अरे नहीं पटकती है ऐसे, इसी के चक्कर में हम लोग का मन खराब होता है। हाँ। हर बार पटकते रहती है। और 1 चम्मच के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा अब ये सब चीज को हम लोग अच्छे से मिला देंगे। अब और सारा इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स कर दिए हैं, अब हो गया है। इसको अभी 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ढक के रखे थे, ये भी कितना सॉफ्ट हो गया देखिए, है ना बहुत सॉफ्ट लग रहा है क्या? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। सो गाइस मोमो के लिए हम लोग छोटा छोटा बॉल बना लिए हैं, इतना छोटा पूरी से भी छोटा बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत पतला बेलना पड़ता है। और इधर मेरे हस्बैंड बेल रहे हैं, हो पा रहा है? हो रहा, हो रहा है ना, हम सीख रहे हैं अभी फर्स्ट टाइम देखते हैं। और हम एक मोमो भी बना लिए हैं देखिए, एक ही तो बनाए हैं अभी और बनाएंगे आप लोग को बना के दिखाएंगे क्योंकि हमको ये नहीं आ रहा, हमको बेलना आ रहा है तो हम ये नहीं बना पा रहे, बहुत मुश्किल है थोड़ा। हाँ ये फोल्ड करना ना। और गाइस कटोरे के साइज का हम लोग बना रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कटोरे का साइज का बना है, सारा सेम साइज का रहेगा, नहीं तो बड़ा छोटा बड़ा छोटा अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ तो इसलिए आप लोग भी कटोरी से ऐसे बेल के ऐसे कट आउट कर लें। सो गाइस हम दोनों साथ में मोमो अभी बनाएंगे तो देखते हैं किसका ज्यादा अच्छा से शेप में बनता है मोमो। बनेगा बनेगा मेरा अच्छा बनेगा। इतना हो गया मोटरी बांधी मोटरी बांधी। अच्छा तो
मेरे से तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है आपका, इतना अच्छा से सेक दिए। चलिए फाइनली हम लोग का हो गया सारा बनाना कंप्लीट कर लिए हैं और अभी स्टीम करेंगे, जल्दी से स्टीम करते हैं उसके बाद हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। गाइस अभी हम लोग स्टीम करेंगे और स्टीम करने का तरीका देखिए, और स्टीम वाला प्लेट ले लिए हैं जिसमें हमको पूरा तेल डालेंगे पूरा मिला दें इधर, ताकि हम लोग को पूरा प्लेट में हम लोग ग्रीस कर देंगे ताकि हमका मोमो चिपकेगा नहीं। एंड गाइस हमारा पानी बहुत अच्छा से गर्म हो चुका है, देखिए कितना अच्छा से पानी में उबाल आ गया है। अब इसी स्टेज में हम यहाँ मोमो को उस पर ट्रांसफर करेंगे। ऐसे हम अच्छे तरीके से इसको रख लेंगे और इसके ऊपर से हम और एक प्लेट से ढक देंगे ताकि भाप बाहर ना निकले और अंदर ही रहे, अच्छा से पक जाए हमारा मोमो। और इसे हम अभी 25 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रहने देंगे। सो गाइस हमारा मोमो बनके पूरा रेडी हो गया है, देखिए इधर देखिए कितना अच्छा से बना है, कहीं से नहीं फटा है हमारा मोमो, देखिए कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है, बहुत अच्छा से पक गया है। तो चलिए आप लोग को अंदर से दिखाते हैं ये कितना अच्छे से पक गया है, देखिए अंदर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसका फीलिंग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख के मुंह में पानी आ रहा है, देखिए कितना जूसी बना है आप लोग देख सकते हैं, पूरा अच्छे से पक गया अंदर में देखिए। हाँ देखिए ट्राई कीजिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा बहुत। हाँ अनएक्सपेक्टेड लग नहीं रहा था कि फर्स्ट बार में इतना अच्छा इतना सही बनेगा, सब कुछ परफेक्ट। चलो बढ़िया, थोड़ा तीखा हो गया चटनी। तो फाइनली गाइस हम लोग का मोमो कंप्लीट हो गया है और दिखा दिया आप लोगों को कितना अच्छे से ट्रांसपेरेंट जैसे पूरा अच्छे से बन गया, अंदर भी अच्छे से पका है। तो चलिए अभी जल्दी खाते हैं हम लोग का भी, हाँ ठंडा हो जाएगा नहीं तो। और आज के वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आई होप हम लोग का वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।